हेलो गाइस, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि करीब 24 तारीख की घटना है और बहुत दिन से मैं फेसबुक पे ज़्यादा देख रहा था कि एक ड्राइवर यानी कि कुछ कह रहा है। कौन सी भाषा में कह रहा है मुझको पता नहीं चल पा रहा था और बार बार वो सामने आ रहा था, तो मैं यूट्यूब पे भी देखा तो ये क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर यानी कि दिमाग लगाया कि शायद तेलुगु होगा, फिर तेलुगु को सर्च किया, फिर उसके बाद इंटरनेट पे सर्च किया कि ये कौन सी भाषा है, यानी कि ड्राइवर आत्महत्या उसने, क्योंकि ट्रेन में उसमें दिखा यानी कि साथ में भी आ रहा था कि ट्रेन कटा हुआ, तो मुझे शक लगा कि आत्महत्या है। तो मैं सर्च किया तो उसमें तमिल में आया, ठीक है, तमिल में आया तो फिर ट्रांसलेट किया, ठीक, ट्रांसलेट करके जो उसमें लिखा हुआ था वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वो कहीं कि मैं अटका भी हूँ पढ़ने में, तो सॉरी भाई, मैं सही से भाषा नहीं पढ़ पा रहा था, हिंदी में क्या बहुत कठिन में लिखा था। तो मैं जो भी हमको समझ में आया वो आगे पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ और उसका एक छोटा सा वीडियो साइड में दे रहा हूँ। वो ड्राइवर हम लोग के लिए ही वो आत्महत्या क्या है भाई, ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा भाई, क्योंकि वो ड्राइवर हम लोग के ही लिए आत्महत्या किया है। आप उसमें खुद देख लीजिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आपसे विनती है भाई कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, प्लीज़ 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 लास्ट तक देखिए किस तरह से एक ड्राइवर भाई अपने लिए अपन लोग के ड्राइवर, मतलब जितने भी ड्राइवर लोग के लिए ही आत्महत्या किया है भाई, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिए, समझिए उस वीडियो को, ठीक है। और तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महानगर पुलिस के लिए गुरुवार का दिन विरोधाभासी रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री पलनी स्वामी उनकी तारीफ कर राष्ट्रपति पदक से नवाज रहे थे, तो दूसरी तरफ एक कॉल टैक्सी का चालक जिसने कथित रूप से पुलिस प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस प्रताड़ना की वजह से जान गंवाने का यह दूसरा मामला है। ऐसी घटना पिछले साल OMR में हुई थी। इस बार कार चालक ने पुलिस के अभद्र आचरण से ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ट्रेन से कटकर उसका सिर धड़ से अलग हो गया है। सूत्रों ने बताया है कि कांचीपुरम के कमवारमालयम निवासी राजेश मूर्ति 38 साल ने 24 जनवरी को MM नगर और सिंगापेरुमाल कोविल के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना पर पहुंची तंबारम पुलिस ने मौका मुआयना कर आत्महत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन परिजनों ने राजेश के मोबाइल में रिकॉर्ड एक वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में राजेश अपने साथ हुए पुलिस बदसलूकी को बोझिल मन से बयां कर रहा है। परिजनों की माने तो पुलिस से उनके राजेश का मोबाइल मिला था, लेकिन उसमें सारी फाइल डिलीट थी। राजेश के एक रिश्तेदार ने मोबाइल डिलीट फाइलों की रिकवरी कराई तो उसका यह वीडियो मिला। यह 3 मिनट का वीडियो राजेश ने ट्रेन के आगे कूदने से पहले लिया था। वह वीडियो में कह रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ कैसा आचरण किया, जबकि वह 2 जून की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करता है। पुलिस की गालियों और अभद्र भाषा से वह बहुत विचलित और व्यस्त था। राजेश ने वीडियो में कहा है कि 24 जनवरी की सुबह उसने अरुण नगर से एक IT महिला कर्मचारी की सवारी ली और सड़क के किनारे शाह यात्री का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से 2 पुलिसकर्मी आए और गालियां देकर लाठी चलाते हुए कार को हटाने को कहा। उसने कार आगे ले जाकर एक खाली जगह खड़ी कर दी। फिर दोनों पुलिसकर्मी वहां आए और कार में महिला की उपस्थिति के बावजूद अभद्र भाषण का प्रयोग कर गालियां देने लगे। ऐसा ही वाक्या उसके साथ एक दिन पहले तिरुवत्तियूर सर्विस रोड पर भी हुआ। उसका 500 रुपये का चालान काट दिया। रसीद मांगी तो भला बुरा कहने लगे। राजेश ने कहा है कि टैक्सी के बाद भी वह बहुत मुश्किल से 3 से 3.5 घंटे ही सो पाता है। कार चालक के रूप में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी आकर प्रतिदिन करते हैं। उसकी आत्महत्या की जिम्मेदार और सिर्फ चेन्नई पुलिस है और कोई नहीं है। उसने उम्मीद जताई है उसके इस कदम के बाद से लोगों को प्रेरणा का सम्मान नहीं करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल तमिड़ी में एक इसी कारण से एक चालक ने आत्महत्या कर लिया था, लेकिन विभाग द्वारा उसके खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला हो जाता है, लेकिन इसका
सताना जारी रहता है। जांच के आदेश मामले में गंभीरता से लेते हुए DGP टी के राजेंद्रन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से CCTV फुटेज भी निकाल ली है। मामले की जांच के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है। इस गुरुवार अबूतपुर में कैब चालकों ने प्रदर्शन कर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।